नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय स्तरेज। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी की टीम ने कई और ड्रग पेडलरों को गिरफ्तार किया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनसे पूछताछ में कई और ड्रग पेडलर के बारे में जानकारी मिली है, जिसके बाद एनसीबी की टीम ने वहां पर रेड मारी और एनसीबी की टीम ने उनको गिरफ्तार भी किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद इनके बीच में पूरी तरह से दहशत फैल चुकी है और अब ये लोग जो है इधर उधर भागना स्टार्ट कर दिए हैं। इसी बीच एक और न्यूज़ पब्लिक के सामने आ रही है और ये जो न्यूज आ रही है वो रिया चक्रवर्ती के भाई सौविक चक्रवर्ती को लेकर है। आपको बता दूं कि नीरज गुंडे के अलावा कई और लोगों ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करके और कई जगहों पे सोशल मीडिया पे दावा कर रहे हैं लगातार कि आर्यन खान के साथ साथ में सौविक चक्रवर्ती भी क्रूज शिप पर मौजूद था, यानी कि वो जो ड्रग केस जिसमें अभी एनसीबी की टीम छानबीन कर रही है, जिसमें आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है, वहां पर उस टाइम रिया चक्रवर्ती का भाई सौविक चक्रवर्ती भी मौजूद था। जो भी हो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा, लेकिन इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती क्योंकि आप सबको पता है कि सौविक चक्रवर्ती जो है वो पहले भी गिरफ्तार हो चुका है एनसीबी के द्वारा और अभी जो है वो जमानत पे चल रहा है। इसी बीच जो है सौविक चक्रवर्ती को लेकर इस तरह की अपडेट आ रही है कि वो भी जो है ड्रग पार्टी में मौजूद था। आपका क्या ओपिनियन है इस पर, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।